प्रदेश में कोरोना कहर के बीच बाड़मेर के नए जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने पदभार ग्रहण किया और प्रशासनिक अधिकारियों से कोरोना को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही बाहरी मजदूर और स्थानीय लोगों से घरों में रहने की भी अपील की। बाड़मेर के नए जिला कलेक्टर के रूप में विश्राम मीणा ने आज पदभार संभाला है और कोरोना के चलते वो बाड़मेर में किस प्रकार से उनकी प्राथमिकता रहेगी और इस पर महामारी को रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास करेंगे उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बाड़मेर। थैंक यू। सर, जो अभी स्थिति बनी हुई है, इसी बीच आपका यहाँ स्थानांतरण हुआ है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और इसको रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो कोरोना वायरस है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और जैसे इसमें भारत सरकार के, राज्य सरकार के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उन दिशा निर्देशों के तहत जो लॉकडाउन है उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित हो। इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं बाहर से, चूँकि आज वीसी में ये भी डायरेक्शन दे दिए हैं कि करीब करीब जो मूवमेंट है उसको भी हमें बहुत सख्ती से रोकना है, तो वो जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करके और उसके बाद अगर उनमें कहीं थोड़े से कोई सिम्टम्स हैं तो उनको क्वारंटाइन और आइसोलेशन में डाल करके उन लोगों को परिवार और समाज के दूसरे लोगों से दूर रख के, और मुझे उम्मीद है कि अभी ऐसी स्थिति में हम सब ये स्टेप्स लेकर के और बाड़मेर जिले में कोरोना से कोई संक्रमित नहीं हो पाए इसका पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक बहुत ही एक सुखद अनुभूति है कि अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव जो केस है वो बाड़मेर में डिटेक्ट नहीं हुआ है। सर, जैसा कि आपके लिए जिला एकदम नया है, तो फिर भी जिलेवासियों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे कि ताकि इस महामारी से अपन सब एक साथ होकर लड़ सकें? मैं सभी जिलेवासियों को ये निवेदन और अपील करना चाहूँगा कि एक तो जो सोशल डिस्टेंस है जिसको बार बार हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिसको बार बार अपील करते हैं, उसको हम सुनिश्चित करें। और एक, अब हमने ये तय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो किसी भी सूरत में अपना स्थान नहीं छोड़ें। हम प्रयास करेंगे कि जहाँ वो कार्यरत हैं उन प्रतिष्ठानों, उन संस्थानों से उनको भोजन पानी शरण व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, और उसके बावजूद भी अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से प्रशासन, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी सूरत में प्रशासन किसी को नहीं देगा। और ऐसी स्थिति में किसी को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। हम लॉकडाउन होकर के अपने आप को घर में रखें, मेहरबानी करके अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकल करके और जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हमारा सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल, ये कलेक्टर साहब थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी बाहर के श्रमिक हैं वो यहाँ रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। अशोक शेरा, बाड़मेर।